नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदा विक्टेटा पे स्वागत है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। आयु की बात करें तो आपको 21 साल मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 38, और बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। योग्यता की बात करें तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस नहीं लग रही किसी भी कैंडिडेट के लिए। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कुछ भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना है। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आपको उड़िया लैंग्वेज आती है, मतलब उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो अगर आती है लिखना पढ़ना बोलना, तभी इस फॉर्म को आप भरें, क्योंकि ये एक क्वालिफिकेशन बोल दिया गया है। मतलब एक तरह से आपको ये आना ही चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, आप बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको उड़िया बोलना आना चाहिए, तभी आप वीडियो देखो, नहीं वीडियो आपके काम का नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर देना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्योंकि वहां पर सारी चीजें आपको साफ साफ दिख जाएंगी। यहाँ पर लिखा है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए आई है, और आपका वर्क भी आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में ही होगा, मतलब ठीक है। और यहाँ पर जो है उसको आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। 22 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और आपका 23 मई तक फॉर्म ओपन रहेगा। ऑनलाइन सबमिट करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। देखिए, जो आपकी जो आप जब इनिशियल अपॉइंट होंगे, अपॉइंटिंग होंगे, तो आपको 13,300 रुपये मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, सर को नहीं मिलेगा। मगर जब आप 6 ईयर की सर्विस कर लोगे, ये चीज बहुत गलत लगी मुझे। क्या 6 साल काम कराने के बाद तुम मुझे परमानेंट करोगे? वैसे गवर्नमेंट जॉब ही है, मगर 6 साल का ये वो ले लिए ले रही है, मतलब कि पहले आपको शुरू में एक तरह से बोलता है ना कि प्रोविजन पे रखेगी, उसके बाद आपको वर्क देखेगी, अगर वर्क अच्छा होगा तो 6 साल बाद आपको परमानेंट करेगी। उसके परमानेंट करने के बाद आपकी सैलरी करीब पहुंच जाएगी 30,000 प्लस, ठीक है, 30,000 प्लस पहुंच जाएगी। मगर स्टार्टिंग में आपको 13,300 रुपये, एक तरह से आप होता है ना कि प्राइवेट ठेकेदारी पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसे रखेगा, 6 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लें तो आपको जनरल में 3 वैकेंसी आई है, 6 वैकेंसी आई है, SC BC में आई है 1, SC में आई है 3, और ST में आई है 5, टोटल 15 पोस्ट आई है, ठीक है। बाकी इसमें रिजर्वेशन वगैरह है, वो एक पोस्ट आपकी रिजर्व है एक्सर्विसमैन के लिए। और बाकी हम चीजें देख लेते हैं क्या क्या चीजें। एज की बात करें तो यहाँ पर 21 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 38 आपकी मैक्सिमम, और आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर लिखा है 5 ईयर रिलैक्सेशन टू सोशली या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है। SEBC को मिलेगा, SC को मिलेगा और ST को भी मिलेगा। वुमेन और एक सर्विसमैन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशनल ये होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल की नॉलेज। एग्जामिनेशन फीस की, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लग रही, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्टेड है। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की, कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो होगा वो आपको एक तरह से एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पर है कि आपको एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट होगा, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग करा सकते हैं या फिर आपसे MS Excel वगैरह या MS Word वगैरह पे कुछ चीजें करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम कहाँ पर होगा। एग्जाम के लिए यहाँ पर देखिए 3-4 सिटी दिया गया है, बालासोर में दिया गया, क्या है, बहरामपुर में दिया गया, भुवनेश्वर में, कटक में और संबलपुर में, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि कैंडिडेट काफी ज्यादा हो जाते हैं तो और सिटीज को भी ऐड कर लिया जाएगा, मगर एग्जाम आपका उड़ीसा में ही होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, पहला तो इंडिया का होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया, उड़िया लैंग्वेज आपको बोलनी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट एन एग्जामिनेशन इन उड़ीसा लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू द डैट ऑफ द मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल उड़ीसा, आपको कम से कम एक उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब उड़िया लैंग्वेज में कोई ना कोई एग्जाम पास होने चाहिए आप, तभी तो आपको पता चल पाएगा, उनको पता चलेगा कि आपको उड़िया आती है, ठीक है। यहाँ पर बोला है गुड कैरेक्टर होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव द साउंड हेल्थ एंड एक्टिव हैबिट, मतलब कि फिजिकली फिट होना चाहिए। बाकी कि यहाँ पर लिखा है कि कोई एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए स्पाउस लिविंग, ठीक है, 2-4 पत्नियां नहीं रखनी होनी चाहिए, सब चीजें होती हैं गवर्नमेंट में, अभी आप सर्विस में जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। बाकी और क्या कंडीशन सर्विस से बात करें तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 6 ईयर तक एक तरह से आपको अप्रेंटिसशिप पे या प्रोविजन
प्रोविजन पे रखा जाएगा, उसके बाद ही आपको परमानेंट। स्टार्टिंग में आपको 13,300 रुपये सैलरी मिलेगी, कोई DA HRA वगैरह नहीं लेगा। यहाँ पर लिखा है दे शैल नॉट बी इंटाइटल टू DA HRA एंड अदर अलाउंसेस, ठीक है, केवल आपको RCM मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं, जब आप परमानेंट हो जाओगे आफ्टर 6 ईयर आपको 5,200 से 20,200 का ये आपको पे ग्रेड हो जाएगा, 1900 ग्रेड पे का, और आपका बेसिक आपका 20,200 होगा, बाकी आपकी सैलरी आपको 30 या फिर 29 ऐसे बन जाती है, DA वगैरह HRA वगैरह अलाउंसेस मिला के बन जाती है। और जो भी आपको करना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करना है, कोई भी अदर चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर इसके बाद लिखा है कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जब हो जाएगा, रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, स्किल टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया, कंडीशन वगैरह, तो आप इसको देख लेना। पहले तो आप उसको फॉर्म ही फिल करो, बाकी बाद में कंडीशन तो देख ही ली जाएगी। और क्या देख लेते हैं कि यह है ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन की बात करें तो आप ये सब चीजें मत करना, इनकम्प्लीट फॉर्म मत सबमिट करना, या फिर कोई हार्ड कॉपी मत भेजना, ऑफलाइन फॉर्म मत भेजना, जो भी करना है अप्लाई। देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा आपको, और वहां पर सारी डिटेल जो भी डिटेल दी होगी उसकी आपको फिल कर देना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट की बात कर ले तो आपको 22 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, और 23 मई तक फॉर्म रहेगा, ठीक है, और ये 18 अप्रैल की वो है नोटिफिकेशन है, तो सेक्रेटरी के आप सिग्नेचर भी दे सकते हो। तो इतनी ही थी, मगर अभी तक देखा जाए तो बहुत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मगर जॉब चाहिए तो जॉब के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। अभी आप उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 13,300 मिलेगा स्टार्टिंग में, 6 साल तक आपको झेलना पड़ेगा, 6 साल तक झेलना पड़ेगा, 6 साल के बाद आप परमानेंट हो जाओगे, और उसके बाद आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो में इतना ही था, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही जॉब की न्यूज़ मिलती रहेगी। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।